मुक्तदा हसन निदा फाजली या निदा फाजली हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर थे। दिल्ली में पिता मुर्तजा हसन और माँ जमीला फातिमा के घर तीसरी संतान के रूप में इन्होंने जन्म लिया। दिल्ली कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में इनके जन्म की तारीख 12 अक्टूबर 1938 लिखवा दी गई। पिता स्वयं भी शायर थे। इन्होंने अपना बाल्यकाल ग्वालियर में गुजारा, जहाँ पर उनकी शिक्षा भी हुई। उन्होंने 1948 में ग्वालियर कॉलेज, विक्टोरिया कॉलेज या लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करी। वो छोटी उम्र से ही लिखने लगे थे। निदा फाजली इनका लेखन का नाम है। निदा का अर्थ है स्वर अथवा आवाज। फाजला कश्मीर के एक इलाके का नाम है, जहां से निदा के पुरखे आकर दिल्ली में बस गए थे, इसलिए उन्होंने अपने उपनाम में फाजली जोड़ा। जब तक पढ़ते थे तो उनके सामने की पंक्ति में एक लड़की बैठा करती थी, जिससे वो एक अनजाना अनबोला सा रिश्ता अनुभव करने लगे थे। एक दिन कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस दिखा, मिस टंडन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हैज एक्सपायर्ड, अथवा कुमारी टंडन का एक्सीडेंट हुआ और उनका देहांत हो गया। निदा बहुत दुखी हुए और उन्होंने पाया कि उनका अभी तक का लिखा कुछ भी उनके इस दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, न ही उनको लिखने का जो तरीका आता था उसमें वो कुछ ऐसा लिख पा रहे थे जिससे उनके अंदर का दुख की ग्रहें खुल सके। एक दिन सुबह वह एक मंदिर के पास से गुजरे, जहां उन्होंने किसी को सूरदास का भजन, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे गाते सुना, जिसमें कृष्ण के मथुरा से द्वारिका चले जाने पर उनके वियोग में डूबी राधा और गोपियां फुलवारी से पूछ रही होती हैं, हे फुलवारी तुम हरे क्यों बनी हुई हो, कृष्णा के वियोग में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गई। वह सुनकर निदा को लगा कि उनके अंदर दबे हुए दुख की ग्रहें खुल रही हैं। फिर उन्होंने कबीरदास, तुलसीदास, बाबा फरीद आदि की कई कवियों कविताओं को पढ़ा और उन्होंने पाया कि इन कवियों की सीधी सादी बिना लाग लपेट की दो टूक भाषा में लिखी रचना अधिक प्रभावकारी है। जैसे सूरदास की ही ऊधो मन ने भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अराधे ते ईस। हिंदू मुस्लिम कौमी दंगे से तंग आकर उनके माता पिता पाकिस्तान जाकर के बस गए, लेकिन निदा यहीं भारत में रहे। कमाई की तलाश में कई शहरों में भटके, फिर 1964 में मुंबई में निदा पत्रिकाओं समाचार पत्रों के लिए लेख लिखने लगे। जल्द ही लोकप्रिय हो गए और फिर फिल्मों में आ गए। निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को मुंबई में हुआ। 2013 में पद्मश्री, 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा कई अन्य सम्मान भी उनको प्राप्त हुए। तो ये थी शायर निदा फाजली के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।